दोस्तों प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम अक्सर ये गलतियां करते हैं कि हम अपनी डाइट में कार्ब्स और फैट को इतना ज्यादा ऐड कर देते हैं कि प्रोटीन डाइट बहुत कम हो जाती है। नॉर्मल अगर मैं बात करूं कि अपनी हमारी वेट का पर ग्राम प्रोटीन हमें लेना चाहिए। जैसे अगर आपका वेट 70 kg है तो डेली आपको 70 ग्राम प्रोटीन्स लेना है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 70 ग्राम प्रोटीन लीजिए, मैं कहूंगा कि आप कम से कम 35 से 40 ग्राम प्रोटीन तो हमें जरूर लेना चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। जैसे घर बनाने के लिए छोटे छोटे ब्रिक्स लगाने पड़ते हैं, ईंटों को जोड़ना पड़ता है, उसी तरह हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सेल्स की रिपेयर में प्रोटीन का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। और प्रोटीन की वजह से हमारी सेल्स कोई डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वो फिर से रिपेयर हो जाती है। और हमारी मसल्स और हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सस्ते ऐसे घरेलू कुछ इजी प्रोटीन्स के बारे में बताऊंगा जो आपको इजीली और सस्ते 1 रुपए से भी कम कीमत में अवेलेबल हो जाएंगे। और आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में जो प्रोटीन की कमी है या प्रोटीन डाइट को आप अपने बॉडी में फुलफिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करता हूं। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस मैं बनाता रहूं, जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं बनाता रहूं, वो आपको मिल सके। तो अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया बहुत ही ज्यादा हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। दोस्तों अगर हम अपनी डेली लाइफ में प्रोटीन की कमी करते हैं या प्रोटीन डाइट अगर हम कम लें तो फैट लॉस को तो आप भूल ही जाइए। फैट लॉस तो आप कभी भी नहीं कर सकते अगर आप अपनी डेली लाइफ में कम से कम अपनी वेट के हिसाब से आधा प्रोटीन नहीं यूज करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ सस्ते और इजी प्रोटीन्स के बारे में बताऊंगा जो इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगी जो जिम करते हैं और 4,000-5,000 रुपए का वे प्रोटीन खरीद करके उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका वेट गेन हो जाए, मसल्स बन जाए। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, इजिली आप ये प्रोटीन खाइए, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रोटीन है टोफू। दोस्तों टोफू एक वेगन प्रोडक्ट है, मतलब ये किसी एनिमल से प्रोड्यूस नहीं होता है। तो टोफू एक सोया प्रोटीन है। टोफू आपको मार्केट में इजिली 200 ग्राम का पैकेट 70 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम डेली नीड की बात करें तो हमें डेली 100 ग्राम टोफू की जरूरत होती है। अगर 100 ग्राम टोफू के कॉस्ट निकालें तो 100 ग्राम टोफू की कॉस्ट आएगी 35 रुपीज। 35 रुपीज में आपको करीब एक 200 ग्राम के 100 ग्राम के टोफू में 15 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, 15 ग्राम आपको कार्ब्स मिलेगा और 8 ग्राम फैट्स मिलेगा। तो दोस्तों टोफू का अगर हम 15 ग्राम से 35 रुपए से कैलकुलेशन करें तो 1 रुपए लगभग 1 ग्राम प्रोटीन की कीमत आएगी। और अगर आपने 100 ग्राम टोफू खाया तो लगभग 15 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा और वेट भी आपका गेन नहीं होगा। दोस्तों टोफू इज द बेस्ट चॉइस। अगर आपको टोफू इसलिए अवेलेबल हो जाता है तो आप टोफू का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरा है दोस्तों पनीर। पनीर दोस्तों सभी को इजिली, हर घर में सभी को इजिली अवेलेबल हो जाता है। पनीर को आप बाजार से ना लें, घर पर ही निकालें। घर पर निकालने के लिए कि एक आप आधा किलो का पैकेट लें जो लो फैट मिल्क होता है, आधा किलो का पैकेट लें, उस पैकेट को पनीर निकालना तो वैसे भी आप सभी जानते होंगे बहुत इजी है। पनीर निकालने के लिए आपको दूध लेना है, दूध में नींबू को गार देना है बॉयल करते हुए। तो बॉयल होते होते क्या होगा कि दूध से पानी अलग हो जाएगा, पनीर अलग हो जाएगा। उस पनीर का आप इस्तेमाल करिए, वो पनीर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर 100 ग्राम पनीर की हम बात करें तो 100 ग्राम पनीर में हमें लगभग 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो दोस्तों अगर हम 20 रुपए के हिसाब से 20 ग्राम प्रोटीन की कीमत निकालेंगे तो लगभग 1 ग्राम प्रोटीन की कीमत 1 रुपए आई। तो है ना कितना आसान और कितना इजी, और इजीली आप इसे घर पे कभी भी निकाल सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो पनीर निकालने के बाद जो पानी बचता है उसे हम वे प्रोटीन कहते हैं। वो वे प्रोटीन बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करके मार्केट में कई सारे महंगे महंगे 4,000-5,000 रुपए तक के वे प्रोटीन पाउडर बनाती हैं और बहुत ज्यादा वो बिकता है। तो आपका इसमें डबल फायदा है, आपको वे प्रोटीन और पनीर का केसिन प्रोटीन दोनों अवेलेबल हो जाएगा। थर्ड है दोस्तों लेग्यूम्स। लेग्यूम्स हम कहते हैं जैसे कि राजमा, छोले, काबली चना, मटर। दोस्तों ये भी हमारे घर में इजिली अवेलेबल हो जाता है। अगर हम 1 किलो की कॉस्ट निकालें तो लगभग 150 रुपए किलो की आती होगी। 150 किलो की आने के मतलब है कि हमें 150 1 किलो राजमा तो खाना भी नहीं है, थोड़ा ही लेना है।
अगर हम राजमा या चिकपीस की बात करें तो हमने थोड़ा ले लिया, थोड़ा लेने के बाद इसे बॉईल कर दिया या इसे रात भर पानी में भिगो के कच्चा भी खाया जा सकता है। अगर हम इसकी सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी बनाने के बाद भी हमने अगर 100 ग्राम भी इसका यूज किया तो 100 ग्राम में लगभग हमें 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर हमने इसकी सब्जियां बना करके खा रहे हैं तो इसमें हमें 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 8 ग्राम फैट भी मिलता है इन सारे लेग्यूम्स में। तो हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि फिटनेस को ध्यान रखते हुए कि हमें रोटी को कम कर देना है, कम से कम 1-1.5-2 रोटी ही खानी है ताकि कार्बोहाइड्रेट का ओवरडोज ना हो। नंबर 4 है दोस्तों मिल्क। मिल्क भी हम सभी की डाइट का प्रॉपर डेली नीड का प्रॉपर हिस्सा है। मिल्क को हमें कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ दोस्तों। मिल्क के बारे में बताता हूँ कि मिल्क में 100 ग्राम एक ग्लास मतलब लगभग मिल्क में बहुत ही सस्ता भी आता है। लगभग अगर आप 500 ml दूध का पैकेट लेंगे तो 20-22 रुपए का पैकेट टोंड मिल्क आ जाएगा। मैं उसकी बात करूँ तो लगभग 100 ग्राम दूध में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो 1 रुपए से भी कम आएगा। तो अपनी डेली लाइफ में कम से कम रात में सोते समय 1 ग्लास दूध फीका पीने की आदत डालिए, इससे भी आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा और लगभग आप अपनी डेली नीड के प्रोटीन को कवर को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों पीनट्स भी जिसे हम मूंगफली कहते हैं, मूंगफली हमें हमारे मार्केट में या घर पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसे आप एक अच्छे इवनिंग स्नैक्स चाय के साथ या जैसा भी आप इसको एंजॉय करना पसंद करते हैं आप इसको यूज कर सकते हैं। 1 किलो पीनट की कॉस्ट होती है लगभग 120 रुपए। आप इसे मार्केट से लाइए और 1 सर्विंग स्पून मतलब आप 1 बाउल लगभग इसे यूज कर सकते हैं। 1 बाउल में 28-30 ग्राम तक पीनट्स आता है। तो 1 बॉल अगर 30 ग्राम पीनट्स आप ले रहे हैं तो 30 ग्राम पीनट में आपको मिलेगा 7 ग्राम प्रोटीन और 30 ग्राम पीनट की कीमत निकालेंगे तो वो 10-12 रुपए तक लगभग आएगी। तो 1 ग्राम आपको प्रोटीन की कीमत जो हुई वो लगभग आधे रुपए के लगभग हुई। तो पीनट्स एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट भी इसमें है और हेल्दी फैट्स भी पीनट में होता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। छठा है दोस्तों लेंटिल्स, जिसे हम दालें कहते हैं। दालें हमारे इंडिया में कई तरीके की आती है लेकिन ज्यादातर कोशिश करिए कि हम छिलके वाली दाल खाएं। छिलके वाली दाल में प्रोटीन के साथ साथ हमें फाइबर भी मिल जाता है। दोस्तों प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है दाल, जो हमारी डेली लाइफ में हम लगभग रोज ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम एक एवरेज दाल की कीमत निकालें तो लगभग 80 रुपए 100 रुपए 120 रुपए, लेकिन एवरेज निकाले तो 80 रुपए का 1 किलो दाल आ जाता है। अगर हम डेली 1 बाउल दाल अगर इस्तेमाल करते हैं तो 1 बाउल दाल में लगभग 40 से 50 ग्राम तक आप दाल का इस्तेमाल करते हैं। तो 50 ग्राम दाल में आपको लगभग 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो उस 24 ग्राम प्रोटीन और दाल की कॉस्ट अगर हम निकाल लेंगे तो लगभग 1.5 रुपए से ज्यादा नहीं आएगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है। और लेकिन दाल के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये दाल प्रोटीन के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हैवीली कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है। तो आपको दाल का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको रोटी या चावल ओवरडोज नहीं करना है। लेकिन दाल को रोटी या चावल के साथ एंजॉय करने से इसकी प्रोटीनिशियस क्वालिटी कम नहीं होती है, आप इसे भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट है दोस्तों एग्स। एग्स में हम सभी जानते हैं कि एग्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर हम एग वाइट का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगभग अपनी डेली लाइफ का एक एग में 2.5-3-4 ग्राम तक भी प्रोटीन होता है। तो अगर 3-4 एग का इस्तेमाल आप डेली अपनी लाइफ में नाश्ते में या शाम में कभी भी स्नैक्स के रूप में भी कर सकते हैं, एग से आपको पूरा प्रोटीन मिल जाएगा। लगभग 1 एग की कीमत होती है, अंडे की कीमत होती है 7-8 रुपए। अगर 8 रुपए में आपको 4 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो 1 ग्राम प्रोटीन की कीमत आप खुद ही निकाल सकते हैं, लगभग 1 रुपए से भी कम आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन सारी चीजों का, सातों चीजों का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करना शुरू कर दीजिए। किसी किसी दिन बदल के कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और इसको आप इजिली कई तरीके से बना सकते हैं। दालों के आप जैसे मूंग दाल का डोसा बना सकते हैं या कुछ भी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बाकी आप सब खुद ही जानते होंगे। आप इसका इस्तेमाल करिए, आपको बाहर से वे प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन बॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली लाइफ में आपको प्रोटीन भरपूर मिलेगा और फैट लॉस की मैं गारंटी देता हूं कि आप इन चीजों को इस्तेमाल करिए। वेट लॉस का तो आप भूल ही जाइएगा, बहुत जल्द होना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द होने लगेगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।